सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल मच गया। इस योजना के विरोध में बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। वहीं मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामे की सूचना मिली है। कई जगहों पर चक्का जाम भी खबर आई है। जी आपको बता दें, सेना में भर्ती के लिए मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में बवाल हो गया। इस योजना के विरोध में बक्सर में युवाओं ने ट्रेन पर पथराव किया। वहीं मुजफ्फरपुर में भी सड़कों पर हंगामे की सूचना मिली है। कई जगहों पर चक्का जाम की भी खबर आई है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 9 बजे बड़ी संख्या में युवक बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और ट्रैक पर हंगामा करने लगे। यहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की और ट्रैक पर ही बैठ गए। हंगामे के कारण जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 1 घंटे तक खड़ी रही। इस दौरान कुछ युवकों ने पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव भी किया। फिलहाल आरपीएफ रेलवे ट्रैक खाली करा रही है। जीआरपी ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। नाराज छात्रों का कहना था कि केंद्र सरकार की ये योजना गलत है, इसमें 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा, आगे फिर हम क्या करेंगे। 4 साल पूरे होने के बाद भी भले ही 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल यह हो रहा है कि 10वीं या 12वीं पास करके अग्निवीर बने 75% युवाओं के पास 4 साल के बाद क्या विकल्प होगा। भले ही सरकार उन्हें करीब 12 लाख रुपए सेवानिधि देगी, लेकिन उन्हें दूसरी नौकरी दिलवाने के लिए सरकार के पास क्या स्कीम है। जी हाँ, आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने इस योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर बुधवार को यह बात कही। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि बहुत से मंत्रालयों और राज्य सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उनके मंत्रालयों कॉरपोरेशनों में अगर कोई भर्ती आती है तो उन्हें उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जल्द ही वो इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।